और वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी हाइपर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे के टॉप 25 क्वेश्चन, और ये भाग पहला होगा। और इसमें स्पेशली जो चैप्टर हैं आपके, स्पेशली चैप्टर हम इसमें डिस्कस करूँ तो चैप्टर 1 to 5 ऑलमोस्ट इसमें कवर किए हुए हैं। ठीक है, तो चैप्टर 1 से लेके 5 तक जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल लगते हैं हमें, वो इस सीरीज़ में जो पार्ट वन है इसमें हमने कवर किए हैं। और इसके बाद जो भी फर्दर मतलब चैप्टर 6 चैप्टर 7 वो हम पार्ट्स में लेके आएंगे। तकरीबन इसके 3 या 4 पार्ट्स में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा है इकोनॉमिक सर्वे। तो स्पेशली वीडियो रिकमेंड की जाती है HS के लिए और जो नायब तहसीलदार या HP पुलिस या पटवारी आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए, क्योंकि काफ़ी कुछ सवाल बना बना के पूछे जाते हैं। सो अलग अलग डिपेंड अपॉन द एग्ज़ाम सवाल रेडी किया जाता है। ठीक है, सोचो इसके बारे में डिस्कशन है। और एक और बात, इस वीडियो की खास बात ये रहेगी कि आपको इसको वीडियो का PDF जो है वो आपको मिलेगा टेलीग्राम पर। तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसको इसका PDF चाहिए वो वहाँ पर टेलीग्राम पर हमारा जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक पर क्लिक कीजिएगा और वहाँ पर आपको बजट की भी, जितने बजट का पार्ट 1 पार्ट 2 हम लेके आए थे MCQ वाला भी, वो भी वहाँ पर मिल जाएगा। जितनी भी टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चल रही है, सीरीज चल रही है एग्जाम्स के लिए, वो भी आपको वहाँ पर मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो देर ना करते हुए मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं, और मेरा नाम है अंकित दरयाल। तो चलिए, सबसे पहली बात है, द इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय व्हाट परसेंट इन 2018 एंड 19। देखिए 2018-19 में भारत की इकोनॉमी कितनी ग्रो करेगी, ये इकोनॉमिक सर्वे में एस्टिमेट लगाया गया है। तो ये करेगी 7.2%, और 2017-18 में ये थी 6.7%। ठीक है, ये इंडिया की बात की गई है इसमें। अभी हिमाचल के बारे में मैं आने वाला हूँ अगले में। देखिए, इकोनॉमिक ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट इज एक्सपेक्टेड टू अचीव अ ग्रोथ रेट इन द करंट फाइनेंशियल ईयर 2018 एंड 19। 2018-19 में कितना इकोनॉमी एक्सपेक्ट की जा रही है, जो ग्रोथ की है वो की जा रही है 7.3%। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपके लिए ग्राफ भी रखा है। देखिए 2016-17 में थी 7% जो परसेंट ग्रोथ थी हिमाचल की, उसके बाद 2017-18 में 6.5 रही, और उसके बाद भी 2018-19 में 7.3 एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़रूर आप नोट करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ता हूँ मैं। अगला है, द शेयर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ऑफ हिमाचल ड्यूरिंग 2017 एंड 18। देखिए कितना शेयर मतलब कितना योगदान रहा है इंडस्ट्रीज और सर्विसेज का हिमाचल की इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए 2017-18 में, ये है 43%। तो बहुत बड़ा हिस्सा है इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज का, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन में बूस्टअप करने के लिए हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी को। आगे बढ़ते हैं, इन विच प्लेस ऑफ हिमाचल इंटरनेशनल एयरपोर्ट विल बी एस्टेब्लिश। तो कहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एस्टेब्लिश किया जाएगा, ये किया जाएगा आपका मंडी में। ओके, आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी गवर्नमेंट ऑफिस अक्रॉस द स्टेट हैज़ बीन कनेक्टेड थ्रू हिमस्वान नेटवर्क। ठीक है, हिमस्वान जो नेटवर्क है उसके तहत कितने गवर्नमेंट ऑफिस हैं जो हिमाचल में, उनको कनेक्ट किया जा चुका है, ये है 2095, ताकि वो अच्छे से फंक्शन कर सके। ठीक है, और एक ये एग्जांपल है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के यूज़ का सिस्टम के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जो हिमस्वैन है बेस्ट एग्जांपल है एक अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने का, वो है गवर्नमेंट ऑफिसेस अक्रॉस कितने हैं, 2095 से। अब बात करते हैं पर कैपिटा इनकम के बारे में। देखिए 2018-19 में पर कैपिटा इनकम कितनी रहेगी, ये रहेगी आपकी 1,76,968 रुपये, और इसमें 10.1% का बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, ये इस वर्ष, तो इसको ज़रूर याद रखें। आगे बढ़ते हैं, व्हाट वैल्यू ऑफ लोन प्रपोर्शन सेट बाय RBI फॉर एग्रीकल्चर। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिनका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, उन्होंने कितनी जो प्रपोर्शन है किसी भी बैंक को 18% जो पैसा है वो लोन के तहत दिया जा सकता है किस क्षेत्र में, ये है आपका एग्रीकल्चर में। अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पर आइएगा थोड़ा सा नीचे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो मैंने टेबल लिया है इसमें इस वर्ष एग्रीकल्चर में जो एडवांस दिए गए हैं वो देंगे 18.74, 18.74 क्यों रखा गया है, क्योंकि 18% तो देना ही है इससे ऊपर ऊपर, तो 18.74 मिनिमम 18% और उसके ऊपर दे सकते हैं, तो 18.74 इस वर्ष हिमाचल की ओर से 2018 मतलब 30/9/2018 तक दिए गए हैं इतने प्रपोर्शन में लोन। ठीक है, अब बात करते हैं CDR की। देखिए CDR की फुल फॉर्म होती है कैश डिपॉजिट या क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। ठीक है, तो व्हाट इज़ द क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो ऑफ बैंक इन स्टेट स्टोर, तो कितनी है, ये है आपकी 47.46
परसेंट, ठीक है। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं जो सीडी रेशियो है वो पहले थी 44.6, अब हो गई है 47.46, ठीक है। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। और भी आप देख सकते हैं जो वुमेन के लिए कितना था, 8.1 था, अब उसको 6.98 कर दिया है, और वीकर सेक्शन के लिए 25.59 था, वो 17.20 हो गया है। तो ये आप देख सकते हैं इस वीडियो से। आप इसका जो पीडीएफ है वो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, उसको रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फुल फॉर्म ऑफ BSBDA। फुल क्या होती है? ये होती है बैंकिंग सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स, ठीक है। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा, आपसे पूछी जा सकती है। और कुल मिला के अगर हम बात की जाए, 10.69 लाख ये जो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स हैं ये खोले गए हैं अक्रॉस हिमाचल प्रदेश। और उसमें इसमें तकरीबन जो थे आउट ऑफ 10.69 लाख, 9.45 लाख रूरल इलाके में खोले गए हैं और 1.26 लाख अर्बन इलाके में खोले गए हैं, ठीक है। और ये क्या है असल में, इसको समझना हो तो ये असल में एक आपकी जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की तहत कार्रवाई की गई है, जैसे कहा जा सकता है स्टेप उठाया गया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है कि जितने भी ऐसे लोग जो अभी तक भी इकोनॉमी से जुड़े नहीं हैं, ना बैंक के थ्रू या किसी भी नेटवर्क के थ्रू, सरकारी नेटवर्क के थ्रू जुड़े नहीं हैं, उनको इसमें जोड़ना। इसके तहत जो आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना चलाई गई थी वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए चलाई गई थी। तो उसके तहत हिमाचल में 10.69 लाख लोगों को इसके तहत जोड़ा गया है, जिसमें से 9.45 लाख रूरल इलाके ग्रामीण क्षेत्रों के थे और 1.26 लाख जो शहरी थे उनको जोड़ा गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और BSBDA की फुल फॉर्म याद रखिएगा। अब बात करते हैं विच स्कीम इज लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन सी जो स्कीम थी वो चलाई थी, ये थी प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है, इसको जरूर याद रखें। अब बात करते हैं आगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज क्रिएटेड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड दैट इज RIDF विद इन NABRD इन द ईयर। देखिए किस वर्ष RIDF को नबार्ड के अंदर क्रिएट किया गया था, ठीक है। यह है आपका नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसके इसमें डेवलप किया गया था, ये है आपका 1995 और 1996 में, ठीक है। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इस चीज़ को ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आपकी वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की, ठीक है। वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय नबार्ड थ्रू लोकल NGOs इन 2 डिस्ट्रिक्ट। देखिए अभी अभी 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें लोकल NGO की मदद से जो आपका नबार्ड का है वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाया गया है प्रोग्राम, तो वो कौन है, ये हैं आपके मंडी और सिरमौर में, ठीक है। तो इसको ज़रूर याद रखें। अब बढ़ते हैं आगे। अ फेडरेशन ऑफ फार्मर्स क्लब फॉर्म्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल इन 2018। देखिए 2018 में एक फेडरेशन चलाई गई है फार्मर्स क्लब्स के लिए, वो किन डिस्ट्रिक्ट्स में चलाई गई हिमाचल के, वो है सिरमौर और बिलासपुर में, ठीक है, ताकि जो किसान हैं उनको मदद हो सके, होगी। तो इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। वट इज़ द नेम ऑफ कंसल्टेंसी सर्विसेज होली ओन्ड बाय सब्सिडरी प्रोमोटेड बाय नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देखिए नबार्ड के थ्रू एक कौन सी कंसल्टेंसी सर्विसेज है जो प्रमोट करती है एक तरह से नबार्ड को, तो कौन सी कंसल्टेंसी सर्विसेज है, वो है नैबकॉन, ठीक है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। तो ये है आपकी नबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है, कौन से कंसल्टेंसी ऐसे सर्विसेज, नबार्ड। अब इसका काम क्या है ये नैबकॉन का, देखिए पहला काम इसका है, इसने क्या क्या किया है, लगभग इंस्पेक्शन है जितने भी बॉर्डर एरिया है लाहौल स्पीति और किन्नौर का, वहाँ का काम ये इंस्पेक्ट किया है। जितने भी पॉली हाउस हिमाचल प्रदेश में लगे हैं उनका सारा एक तरह से ऑडिट किया गया है, ठीक है। तो आपको आज आपको एक काम है, आपने कमेंट बॉक्स में जाके ये बताना है कि जो पॉली हाउस स्कीम लगी है हिमाचल प्रदेश में वो किस योजना के तहत चली है, ठीक है। सो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिएगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ कैश क्रेडिट लिमिट ऑफ व्हाट अमाउंट वाज सेंशन टू कांगड़ा बैंक फॉर द ईयर 2018-19 बाय नबार्ड। देखिए नबार्ड ने जो KCC को कितनी धनराशि या लिमिट सेंशन की है, कितने अमाउंट का लिमिट रखा है क्रेडिट लिमिट, वो है आपका 100 करोड़ रुपये का, ठीक है, इसको जरूर याद रखें। अब बढ़ते हैं। रेवेन्यू कलेक्टेड अंडर वैट इन द ईयर 2017 वाज, देखिए 2017 में वैट के तहत कितनी धनराशि कलेक्ट की गई है सरकार के द्वारा, यह है 2,525.87 करोड़ रुपए। और जो एक एक्साइज का डिपार्टमेंट है वो आपको पता ही है हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ज़्यादा एक तरह से लाता है, उसी तरह टूरिज्म भी लाता ही है,
बहुत सारी पैसे लेकिन टैक्स के थ्रू, उसी तरह एक्साइज है उसी के ऊपर सवाल था ये, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे, बाकी क्या जो इकोनॉमिक सर्वे है या इसमें से कुछ सेक्शन से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल रहे होंगे वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और ये कुछ और वीडियो है, और ये जो लिंक है टेलीग्राम का नीचे है, मैं दोबारा कहूँगा आप वहाँ से जाके टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और ये कुछ और हमारी वीडियोस हैं, बजट की वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, अगर आपने बजट नहीं देखा है तो बजट का पार्ट 1 और पार्ट 2 में MCQs हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और हमारी टॉप एक्सपेक्टेड सीरीज़ भी चल रही है, उसको भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।